गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय के लिए आपको नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट, जिसमें हम पहले देख लेते हैं डेट क्या होता है या डिबेंचर्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ बॉन्ड्स का या डिबेंचर्स का, व्हाट एग्जैक्टली द इंस्ट्रूमेंट मींस, और फिर उसकी कॉस्ट कंपनी को कैसे लगती है। इसके लिए आपको दो तीन प्री रिक्वेस्ट्स चाहिए। पहले क्या पढ़ना है देख लो, क्या पढ़ना है आपको, पहले तो कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स ये क्या होते हैं ना, वो समझना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आता है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अपन ने सबसे शुरुआत में बनाया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन फिर कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ तो क्या बचा, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये था वो इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट था वो, इंटरेस्ट ऑन डेट, वो ये था। अब बेटा इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस करा, टैक्स, ओके, इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस करा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद क्या माइनस किया आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मैं कहूं आपके पास डेट है 11% का और प्रेफरेंस शेयर है 11% का, दो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा चॉइस करना पसंद करोगे इश्यू करने के लिए। यू आर अ कंपनी, यू कौन, यू आर अ कंपनी, दो चॉइसेस है आपके पास, क्या क्या, 11% का प्रेफरेंस शेयर, 11% का डिबेंचर, बताओ कौन सा इश्यू करना पसंद करोगे, 11% का डिबेंचर। क्यों सर, इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रुप, सॉरी सर, इनकम टैक्स फर्स्ट ग्रुप, मैं बोला क्या, हाँ सर, अकाउंट्स और इनकम टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंसेस है क्या, दीज आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया, जी हां जी, उल्टा हो गया, जी हां, क्या ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है। एफएम में तो तीनों ही खर्चे भाई साहब, टैक्स पे करना भी खर्चा है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना भी खर्चा है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना भी खर्चा है, और भाई साहब आखिरी में इक्विटी वालों को जो डिविडेंड देना है वो भी क्या है, खर्चा है। लेकिन आप सिर्फ एफएम के एंगल से नहीं सोच सकते, आपको इनकम टैक्स भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये जो डेट पे का खर्चा है इस पे, इसको एक्सपेंसेस पकड़ेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो आपको जब भी बात करना है प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के बीच में, और दोनों का परसेंटेज कॉस्ट सेम होगा, तो यू शुड प्रेफर व्हाट, डिबेंचर्स, ठीक है, यू शुड प्रेफर व्हाट, डिबेंचर्स। चलिए फिर चले आगे। अब डिबेंचर्स एग्जैक्टली होता क्या है ये लिख लो, फिर मैं आपको डिबेंचर्स का कंसेप्ट समझा देता हूं, डिबेंचर का कंसेप्ट भी मैं समझा देता हूं क्या है। प्रथम भूख लगी आपको, नहीं मुझे लगी है, तो क्या कर सकते हो, नहीं नहीं वो नहीं रे भाई, आई एम आस्किंग यू, मेरे को भूख लगा है, मैंने पहले पूछा तेरे को भूख लगा है क्या, तूने बोला नहीं, ठीक है अब बात पे गौर करना, ये लिख लिया क्या। अब देखो मजा क्या है, मुझे कुछ खाना था इसलिए मैंने प्रथम को पूछा तेरे को भूख लगा है क्या, ठीक है, आई थॉट कि प्रथम बोलेगा हाँ लगा है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा भाई कुछ लेके आ जा, समझा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो कंपनी ना ये भी मेरे जैसी है, ये कंपनी जो है ना ये भी ऐसी है, ये जो इन्वेस्टर है, अब कंपनी को क्या चाहिए पता है, पैसा चाहिए था, क्या चाहिए था,
अब कंपनी अगर डायरेक्टली इन्वेस्टर को बोलेगी हाँ पैसा चाहिए दे दे, बहुत गंदा दिखेगा। अरे नहीं रे भाई, वो कितना मतलब देखो विचित्र लगेगा कि सामने वाले से पैसा मांगना थोड़ा और लगता है ना, पैसा मांगने को थोड़ा और लगता है। कंपनी क्या बोल रही, भाई सुनना मैं ना डिबेंचर्स बेच रहा हूँ, मेरे को क्या करना है डिबेंचर्स सेल करना है। हाउ सोफिस्टिकेटेडली दे हैव सेड कि हमको पैसा चाहिए। देखो क्या बोला उन्होंने, डिबेंचर्स सेल करना है। अगर मैं डिबेंचर सेल कर रहा हूं तो तेरे को मेरे को क्या देना पड़ेगा? आ गया, ओके समझा, ये बात समझो। उसके बाद ठीक है, ये इन्वेस्टर भी अपने से पड़ा हुआ है, इसने बोला कंपनी बेटा मैं पैसा दे देता हूँ तेरे को, लेकिन बदले में तू मेरे को क्या देगा? इंटरेस्ट। क्या देगा? इंटरेस्ट। कब देगा? हर साल। कब देगा इंटरेस्ट? हर साल। अरे इन्वेस्टर बोलता येड़ा समझा है क्या भाई, सिर्फ इंटरेस्ट देगा कितने साल? बोले हमेशा तक, मेरे ही पैसे यूज करके मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट ही देगा, मेरा वापस प्रिंसिपल कब देगा? प्रिंसिपल भी तो वापस लगेगा, तो क्या मिलेगा वापस मेरे को इन्वेस्टर को? प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगा। दो दो बेनिफिट इसको मिलने वाले। इन्वेस्टर को कितने बेनिफिट मिलेंगे? दो। अब सुनो इन्वेस्टर के एंगल से सुनो, येड़ा नहीं है वो पैसा देने को। वो क्या बोल रहा है, मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, बोले तो डिबेंचर मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर मेरा क्या है? असेट है, असेट। और वो कितने में खरीदने का? इसका वैल्यूएशन मैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से करेगा, अलग सर। इसके लिए डिबेंचर क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए हो जाएगा लाइबिलिटी, इन्वेस्टर के लिए हो जाएगा असेट। और ये भाई साहब फिर से वैल्यू ऑफ असेट निकालना चालू करेंगे। समझ में आया? इस समोसा कौन कौन खाएगा? मैंने जो आपको बताया ना, ये थॉट था डिबेंचर्स का और ये था डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकालना। पैसा है ठीक है, क्लियर है क्या? ये थॉट था डिबेंचर्स का और यहाँ पे दो बेनिफिट्स ये इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और उसका डिस्काउंटिंग करके वो वैल्यू निकालेगा। और यहाँ पे ना YTM भी पिक्चर में आ जाता है, यहाँ पे लिख लो, क्या याद आएगा इसको? YTM। ये क्या और ध्यान में रखेगा? YTM, yield to maturity। मैंने आपको पहले पहले सेशन में YTM के बारे में बोला है, अपन थोड़ी देर से इस पर गौर करेंगे। और ये कौन से टाइप के डिबेंचर्स मैंने आपको बताए? ये कौन से टाइप के डिबेंचर्स है? रिडीमेबल। चलो इरिडीमेबल पे आ जाए, अभी पहले एक क्वेश्चन इरिडीमेबल का करते फिर रिडीमेबल का। अब इररिडीमेबल, अब इररिडीमेबल का मतलब क्या है बताना? जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, बराबर, जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे। ऑल राइट कूल। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल कंपनी के पास रहेगा और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? तो लिखो, थोड़ा समझो बात को। ये इन्वेस्टर को हमेशा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी का क्या फायदा होगा इंटरेस्ट पे करने की वजह से? कंपनी को टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब लास्टली ठीक है, इतना लिखा आपने,
अब एक क्वेश्चन लिखो, उसके साथ अपन बढ़ते आगे। ये क्वेश्चन रहेगी रहेगी, देना ही नहीं है अब, ये एक्चुअली है ना थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। यहाँ तक आए, अब क्वेश्चन लिखो, एक एक क्वेश्चन लिखो। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 12% डिबेंचर्स फेस वैल्यू ₹100, ठीक है, इरिडीमेबल। टैक्स रेट 30%, ठीक है, टैक्स रेट 30%। अब सुनो, इशूड, 3 अलग अलग क्वेश्चन, इशूड एट ₹100 एट ₹120 एट ₹95। 3 क्वेश्चन है आपके सामने। कितने में इशू किया? 100, 120, 95, ठीक है, चलो करें सॉल्व। अब देखो मजा क्या है, सुनो मुझे एक बात बताओ, एक थॉट यहाँ पे लिख लेना, इंटरेस्ट कभी भी टाइप पे कैलकुलेट करना है, कभी भी चाहे आपका डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ हो, डिस्काउंट पे इशू हुआ हो या पार पे इशू हुआ हो, आप इंटरेस्ट काई पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। अब चलो पहला कितना आएगा भाई इंटरेस्ट, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन कर लेते, कितना, ₹12 आएगा ना इंटरेस्ट, ₹12 आएगा बेटा इंटरेस्ट, ₹12 आएगा ना, 12%। अब मेरे को एक बात बताओ, ₹12 इंटरेस्ट पे किया लेकिन इसके वजह से टैक्स कितना बचा? तो 12 - 3.6 करके देखो, यही आंसर आता है क्या? 12 × 0.7 8.4 आता है क्या? बराबर वही हुआ, ठीक है। अब पैसा कितना यूज करने मिला तुमको? पहली केस में ₹100, पहली केस में कितना यूज करने मिला? 100 करो, चलो 8.4 डिवाइड बाय 100 कितना आया कॉस्ट? 8.4% आया ना, मैं फॉर्मूला लिखा नहीं हूं अभी, परपेचुटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेडी चले आगे। 8.4% का कॉस्ट गिर रहा है, मतलब 12% के डिबेंचर्स आपको एक्चुअल में कितने में गिर रहे हैं? 8.4% में ही गिर रहे हैं, बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग, ठीक है, अगला पार्ट चलो नेक्स्ट। अब देखो भाई, दूसरे पार्ट में मजा क्या हुई, पैसा ज्यादा आया क्या? पैसा ज्यादा आया तो कॉस्ट क्या होएगा? और कम होएगा, कॉस्ट क्या होएगा? और कम होएगा। इंटरेस्ट कितना देंगे? लेकिन इंटरेस्ट वही देंगे, फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 1 - 0.3 डिवाइड बाय 120, 8.4 डिवाइड बाय 120%, कितना परसेंट आया? 7%, ओके आ गया। अरे तो ज़्यादा ये हुआ तो कितना आया? 120 राइट, तो आखिरी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? फिर आखिरी कैलकुलेट कर सकते हो? चलो आखिरी वाला क्या कैलकुलेट करेंगे?
क्या इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा भाई, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। वो तुम्हारी गलती है, तुमने 95 में इशू किया, इंटरेस्ट तो सामने वाला 100 पे ही मांगेगा ना। ठीक है, अब कॉस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी अ लिटिल बिट मोर देन 8.4। आ गया आंसर सबका, ये रहा आपका इररिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर है? फॉर्मूला लिख लो, फिर एक होमवर्क देता हूं, फॉर्मूला लिख लो। क्या आएगा भाई फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब कैश फ्लो कितना हुआ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखो, अब आपका होमवर्क क्या, सुन लो। हो गया, अब एक क्वेश्चन दे दूं आपको। एक होमवर्क है, सुनो। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से 12% वाले, अगर सेम आंसर आना होता भाई तो मैं ये क्वेश्चन नहीं देता। टैक्स बचने वाला है क्या इसमें? नहीं। तो भाई साहब आपका ये ना महंगा जाएगा, ये आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, समझे क्या? ये है प्रेफरेंस शेयर्स, उसके केस में टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस विल बी योर होमवर्क। फॉर्मूला एकदम सेम है जैसा डिबेंचर्स के कॉस्ट के लिए लिया है, सिर्फ उसमें टैक्स वाला पोर्शन हटा देना, गायब कर देना, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। चलो होमवर्क गया, तेल लेने यहीं पे सॉल्व कर लो फटाफट। बेटा 12% बोलो तो 12 रुपया पे करेंगे, डिवाइड बाय 100 तो ये कितना आएगा? 12%। ये कितना आएगा? 12 डिवाइड बाय 120 तो ये आ जाएगा 10%। एंड लास्टली 12 डिवाइड बाय 95 तो ये कितना आ जाएगा? 12.63%। सेम आया कि अलग आया? डू अंडरस्टैंड द पार्ट? आप इरिडीमेबल वाले अगर पार्ट होंगे तो बस इतना ही काम आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ करना है क्या? नहीं। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है वो समझा होगा, नहीं समझा है तो एक बार वीडियो फिर से देखो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो। मिलेंगे अपन अगले सेशन में, टिल देन धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।